नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टेट पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ जो कि उत्तराखंड में जो कि नई भर्ती का विज्ञापन लेकर। तो दोस्तों बात करते हैं आज नया भर्ती विज्ञापन क्या है। तो दोस्तों बीआरसी और सीआरसी के जो कि आपके 955 पदों पर जो कि भर्ती निकली है, तो उसकी भर्ती मैं आपके समक्ष लाया हूँ। और अगर आप नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। मैं आपसे यही बोलता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि आपको अगर आप चैनल पे बने रहोगे तो आपको हर भर्ती की आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं आज की इस भर्ती के बारे में, तो बने रहे वीडियो को अंत तक, जानकारी लीजिए कौन कौन भर सकता है, क्या इसमें प्रावधान है, क्या योग्यता मांगी है। तो देखिए आज की भर्ती की बात की जाए तो रवि रविनाथ रमन उत्तराखंड शासन जो कि राज्य समग्र शिक्षा उत्तराखंड ने बेसिक शिक्षा अनुभाग के जो कि विकासखंड स्तर पर सर्जित शुल्क MBRC एवं संकुल पर्सन CRC के पदों की सेवा शर्तों के लिए अर्हता का निर्धारण के संबंध में किया गया। तो इन पदों के लिए BRC और CRC के 955 पदों पर जो कि आपकी भर्ती होनी है। तो आगे बताता हूँ इसको विस्तार से, बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF इसकी मिल जाएगी, इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये देखिए, और आपको जानकारी लेनी तो ये देखिए BRC और CRC के पदों पर क्या कहा है, तो इसको आप पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो कि क्या क्या इसमें लिखा है। तो देखिए महोदय, उपयुक्त विषय पत्र संख्या राजकीय प्राधिकरण 1326 जो कि दिनांक 7 जून से आलोक में समग्र शिक्षा योजना गत के ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRC एवं सकुल रिसोर्स पर्सन CRC के पदों की चयन प्रक्रिया हेतु सेवा शर्तों अर्हताओं के निर्धारण के संबंध में उपलब्ध कराया गया है। उक्त क्रम में समग्र शिक्षा योजना ब्लॉक रिसोर्स जो कि BRC और रिसोर्स रिपर्न CRC पदों की सेवा शर्त अर्हताओं का निम्नवत, जो कि अब आपको बताता हूँ इसकी योग्यता। और देखिए BRC और सकुल रिसर्च पदों की सेवा के लिए भी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल इसमें टेलीग्राम चैनल पर नए हो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। तो आगे बताता हूँ दोस्तों किस प्रकार से इसमें योग्यता, तो बने रहे वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों पदनाम अनिवार्य अधिमान अर्हता और आयु मानदेय और आपका जो कि इसमें सेवानिवृत्ति कितने साल के शिक्षक की जो 10% कितना होना चाहिए। तो देखिए इसमें ब्लॉक आपका जो देख सकते हो आप, ब्लॉक संदर्भ जो कि व्यक्ति BRP हिंदी के लिए, हिंदी के लिए। तो दोस्तों इसमें आपका हिंदी द्वारा इस विधि द्वारा स्थापित प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में 55% अंकों के साथ स्नातक और स्नातक स्तर पर हिंदी एवं संस्कृत मुख्य विषय के साथ 55% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपका BEd मांगा है, तो इसमें देखिए शिक्षा और इसमें आपका ये मांगा है स्नातक और MA और ये आपका ये मांगा है इसमें और BA मांगा है। तो शिक्षा स्नातक उपाधि BEd और सेवानिवृत्त शिक्षक हेतु BEd अथवा LTB इसमें मांगा है और CTET और UTET प्रमाण पत्र भी मांगा है और कंप्यूटर में सामान्य कार्य करने के लिए MS ऑफिस, पावर पॉइंट, ईमेल आदि अनिवार्य रहेगा। तो ये देखिए न्यूनतम आय की बात देख सकते हो आप, न्यूनतम आय आपकी कितनी रहने वाली है, तो 21 से आपकी 42 वर्ष रहने वाली है तथा शिक्षकों के हेतु अधिकतम 65 वर्ष चिकित्सा प्रमाण के साथ, अगर आप शिक्षक भी हो तो उसका, अगर आप रिटायर हो गए तो उसके लिए आप 65 वर्ष। और भारत सरकार द्वारा मानदेय अधिकतम आय आउटसोर्स एजेंसी से निर्धारित किया जाए, तो इसमें पैसा आपकी आउटसोर्स एजेंसी देगी और कुल कुल इसमें ये रहेगी तो 5 साल की इसमें ये रहेगा सेवानिवृत्ति जो है तो 10%, अन्य के लिए 42 से और कुल इसमें 47। हिंदी के लिए बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं आपका और सब्जेक्ट के लिए, तो बने रहे आपकी और सब्जेक्ट में आप BEd धारक या स्नातक धारक हो तो BEd इसमें मांगा है, तो बने रहे वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं अंग्रेजी के लिए कितने पद हैं, तो आपको मैंने लेखा जोखा बता चुका है कितने परसेंट चाहिए। तो अंग्रेजी के लिए आपके 47 पद हैं और आगे बताते हैं। और दोस्तों BRC आप विज्ञान के लिए देख सकते हो आपके 48 पद हैं, ये देखिए यही मांगा इसमें जो आपका पहले इसमें मांगा था। और बात करते हैं आगे जो कि आपका और सब, तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान के लिए देख सकते हो आप 21 से 42 वर्ष और इसमें आपके 95 पद हैं। अब बात करते हैं आपका CRP के लिए कितने पद हैं, तो बने रहे वीडियो के साथ। तो 200 सबसे ज़्यादा पद हैं CRP में, इसमें कितने पद हैं, तो टोटल 600 पद हैं, मैंने आपको BRP के बता दिया है।
सीआरपी की ये बात है, तो इसमें भी बीएड चाहिए आपको 55% के साथ, और सीटेट और यूटेट का प्रमाण पत्र चाहिए, कंप्यूटर में सामान्य कार्य के लिए एमएस ऑफिस और पावर पॉइंट ईमेल का आदि ज्ञान चाहिए, और एज की बात की जाए तो 21 से 42 वर्ष चाहिए। और आपका अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें आयु भी वही मांगी है, देख सकते हो आप, आयु की बात की जाए तो ये 21 से 42 वर्ष मांगी, और भारत सरकार द्वारा एजेंसी द्वारा ये मांगे 67 पर, और 603 इसमें रिक्त हैं, अन्य के लिए 670 पोस्ट है दोस्तों इसमें, और ये आपका मांगा है, ये देखिए आपकी आयु आपकी 21 से 42 वर्ष है, तो भी अगर आपको बीएड है शिक्षा स्नातक के बाद बीएड मांगा है, एलटी भी मांगा है, सीटेट यूटेट भी मांगा है, और कंप्यूटर का ज्ञान मांगा है। तो दोस्तों आई होप आपके पास इतनी, अगर आपका पास अर्हताएं हैं बीएड धारक हो, जो आपके पास सीटेट यूटेट का प्रमाण पत्र है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और आपके लिए ये भर्ती है, तो इसमें सैलरी जो कि आउटसोर्स एजेंसी देगी, और ये आपके 500, अगर आप बेरोजगार हो बीएड धारक हो तो आपके लिए 955 पदों पर ये भर्ती आएगी। हमारा काम होता है दोस्तों जानकारी देना, और आपका काम होता है चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों आप हम यूं ही हमसे बने रहिए, यूं ही जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं यही बोलता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, जितना आप वो सब्सक्राइब करेंगे उतना आपको जानकारी आपके हित के लिए कभी भर्ती आएगी, आप पीएड धारक नहीं हो, अगर आप अन्य चीज़ की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये सही है, आप कर सकते हो अन्य चीज़ की तैयारी, या आपके लिए भी कभी भर्ती आएगी तो आप देख सकते हो। दोस्तों आए आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।